सबको जय शो। क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए गलत कामों को पाप कहा जाता है? आज हम समझेंगे कि पाप क्या है, पवित्र बाइबल में इसका क्या अर्थ है और कैसे यह हमें ईश्वर से दूर लेकर जाता है। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि पापों से मुक्ति पाने के लिए मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार का क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले पाप का अर्थ को हम समझते हैं। पाप का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जाना या उनके आदेश का उल्लंघन करना। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। जी हाँ, जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और हमारे और उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। पवित्र बाइबल में भी हम इसके बारे में देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के पुस्तक में आदम और हेवा की कहानी में जब उन्होंने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और निषिद्ध या मना किया हुआ फल खाया, तब पाप संसार में आया। यह मूल पाप कहलाता है जिससे हम सभी प्रभावित होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप हमें ईश्वर से दूर कर देता है और हमें उनकी कृपा से वंचित कर देता है। पर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में हमें 10 आज्ञा के बारे में पढ़ने को मिलता है। 10 आज्ञाएं हमें यह बताती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और ईश्वर की इच्छा का पालन कैसे करना चाहिए। यह नियम हमें पाप से दूर रहने और ईश्वर के साथ सच्ची मित्रता बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। साथ ही साथ नया नियम में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:27-28 में यीशु बताते हैं कि पाप केवल हमारे कार्यों में नहीं बल्कि हमारे विचारों में भी होता है। यदि हम किसी के प्रति बुरे विचार रखते हैं तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। यह हमें सिखाता है कि पवित्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। साथ ही साथ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:23 हम इस पत्र में पौलुस को कहते हुए सुनते हैं, सभी ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से वंचित है। यह हमें यह समझाता है कि कोई भी व्यक्ति पाप से अछूता नहीं है और सभी को ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। जी हाँ, तो आइए अभी हम समझेंगे पाप के प्रकार के बारे में। पाप कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो पाप जो है दो प्रकार के हैं, मूल पाप जिसे हम अंग्रेजी में ओरिजिनल सिन कहते हैं, और दूसरा है व्यक्तिगत पाप जिसे अंग्रेजी में पर्सनल सिन के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आइए मूल पाप के बारे में हम लोग जानेंगे। यह वह पाप है जो आदम और हेवा से हमें सभी में आया है। यह हमारे जन्म से ही हमें प्रभावित करता है। बपतिस्मा के माध्यम से हमें इस पाप से मुक्ति मिलती है और हम ईश्वर की कृपा में प्रवेश करते हैं और ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। और दूसरा है व्यक्तिगत पाप या पर्सनल सिन। ये हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए पाप होते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है गंभीर पाप और दूसरा है हल्का पाप या मॉर्टल सिन या वेनियल सिन के रूप में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है गंभीर पाप या मॉर्टल सिन। यह जानबूझकर किए हुए पाप और गंभीर पाप होते हैं जो हमारे और ईश्वर के बीच की मित्रता को पूरी तरह से तोड़ देता है। उदाहरण के तौर पे हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब मॉर्टल सिन के कैटेगरी में आते हैं। गंभीर पाप से हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है और हमें
मेल मिलाप के संस्कार के माध्यम से ईश्वर की कृपा में लौटने की आवश्यकता होती है। और दूसरा है विनियल सिन या हल्का पाप। यह छोटे पाप होते हैं जो हमारे और ईश्वर के बीच की मित्रता को कमजोर करते हैं, परंतु पूरी तरह से तोड़ते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे झूठ बोलना, किसी की निंदा करना इत्यादि। यह हल्का पाप हमें आत्मिक रूप से कमजोर करता है और हमें नियमित रूप से पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। तो यह पश्चाताप की आवश्यकता क्यों है, आइए इसे हम समझते हैं। पाप हमें ईश्वर से दूर ले जाता है और आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 2 में लिखा है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से अलग कर दिया है। इसलिए हमें ईश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है और उनके पास लौटने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम सभी मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते हैं। अगर आप लोग हमारे पहले वीडियो देखे हैं मेल मिलाप संस्कार के सीरीज का, तो हमने उसमें मेल मिलाप संस्कार को किस प्रकार से ग्रहण करना जरूरी है उसके बारे में हर एक स्टेप के द्वारा हम आप लोगों को समझाया है। जी हाँ दोस्तों, पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, लेकिन मेल मिलाप का संस्कार हमें ईश्वर की ओर वापस लाता है। इसलिए इस संस्कार को नियमित रूप से अपनाना और अपने जीवन को ईश्वर के साथ सामंजस्य में लाना ये जरूरी है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम मेल मिलाप संस्कार के बारे में और भी गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्संचार यूट्यूब चैनल, मैं फादर आलोक नायक, आप सबको धन्यवाद।